नाउ एज आई सेड कि हम सकीना की बात करेंगे, तो हम आते हैं कुरान की कुछ वर्सेस हैं, मैं आपको सकीना का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बहुत सी वर्सेस हैं, 6 वर्सेस हैं, मैं आपको इनमें से 2-3 इंशाल्लाह सुनाता हूँ। एक तो जो है वो सूरह तौबा की वर्स नंबर 26 है। अल्लाह सुब्हान तआला सेज, देन अल्लाह डिड सेंड डाउन हिज सकीना ऑन द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑन द बिलीवर्स एंड सेंड डाउन फोर्सेस दैट इज एंजल्स व्हिच यू डिड नॉट सी एंड पनिश द डिसबिलीवर्स सच इज द रिकंपेंस ऑफ डिसबिलीवर्स। मैदान-ए-जंग की बात हो रही है, मैदान-ए-जंग की ये बात हो रही है कि ज़ाहिर है कि डिसबिलीवर्स के साथ, मुशरिकीन टू बी प्रिसाइज मुशरिकीन मक्का के साथ जंग है, तो जंग बदर की बात है। अल्लाह ताला ने बिलीवर्स पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सकीना नाजिल की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सकीना अकॉर्डिंग टू द कुरान? कामनेस, ट्रैंक्विलिटी एंड रीअश्योरेंस। ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। मैं जॉर्डन पीटरसन को एक बार सुन रहा था, और जॉर्डन पीटरसन इज़ अ बिग साइकोलॉजिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ, साइकोलॉजिकल कम्युनिटी को भी मैं फॉलो करता हूँ। तो ही सेड समथिंग, आई वॉज अमेज्ड कि यार ये तो कुरान की डेफिनेशन बता रहा है हैप्पीनेस की। ही सेड कि अकॉर्डिंग टू मी हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज रिवील्ड, हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज लिटरली रिवील्ड टू यू ऑब्वियसली फ्रॉम गॉड, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट रेवलेशन आप सकीनत फील करते हैं। सकीनत का वर्ड तो उसने नहीं बोला था, लेकिन जो वर्ड उसने बोला था दैट वॉज ट्रैंक्विलिटी। आप सुकून फील करते हैं, ट्रैंक्विलिटी फील करते हैं। सो व्हेन अल्लाह सेज टू अस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पे सकीनत नाजिल की, दैट मीन्स कामनेस, ट्रैंक्विलिटी एंड रीअश्योरेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला सूरह फत इज चैप्टर नंबर 48 ऑफ द कुरान। सूरह फत वर्स नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, He it is who sent down a sakina, that is calmness and tranquility, into the hearts of the believers, that they may grow more in faith along with their present faith. के ज़ाहिर है कि बैत रिजवान पे जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने आए थे, तो उन पे अल्लाह ताला ने सकीनत नाजिल की, calmness और tranquility नाजिल की उनके दिलों पे, hearts पे, कल पे, that they may grow more in faith along with their present faith, and to Allah belongs the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever all knower and all wise. सकीनत नाजिल होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। कब है? जब आप अल्लाह ताला की खुश, जब आप ऐसे अमाल करो जो अल्लाह रसूल को खुश करे, जब आप ऐसे अमाल और ऐसे इस लाइफस्टाइल की तरफ जाएं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, जो लाइफस्टाइल, सकीनत नाजिल होगी आप पे, ट्रैंक्विलिटी नाजिल होगी आप पे, सुकून नाजिल होगा आप पे। करके देखिए, जुनेद जमशेद रहीमुल्लाह ने कहा था, बहुत ज़बरदस्त इनका ये सेंटेंस है, मेरे दिल को छूता है जब भी ये सेंटेंस के बारे में मैं गौर करता हूँ, आप भी गौर करें। सेट के वल्लाही खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं न्यूयॉर्क के होटल्स में रहा हूँ, मैं शिकागो के होटल्स में रहा हूँ, मैं यूके के होटल्स में रहा हूँ, बट जो सुकून मुझे बालाकोट की एक पुरानी मस्जिद में फटी हुई टाट पर बैठ के नमाज पढ़ के और अल्लाह का जिक्र करके मिला है, वो किसी होटल में नहीं मिला। व्हाट एन अमेजिंग कोट। अगर आप इसको कोट को सिर्फ सोचने एक बार बैठ जाए और इसको ट्राई करने बैठ जाए कि जो सुकून मुझे बालाकोट की एक मस्जिद में, वहां पे कोई तबलीग के लिए वो गए होंगे या वैसे ही किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी होगी, इज शेयरिंग इज एक्सपीरियंस कि फटी हुई टाट, यानी कि पुरानी सी टाट थी, उस पर मैं बैठा और मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, और जो सकीना मुझे उस टाइम पे फील हुई मुझे कभी होटल में रह के भी फील नहीं हुई। दैट इज हैप्पीनेस टू मी, दैट इज सकीना, दैट इज ट्रैंक्विलिटी, दैट इज पीस, सकून। तो यह सकीना का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस घर में कुरान मजीद पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है, जिस घर में दीन इस्लाम पे अमल किया जाता है, वहाँ सकीनत नाजिल होती है, पक्की बात है, क्योंकि एंजल्स वहाँ पे होते हैं। जिस घर में सकीनत नाजिल होती है वहाँ पे किस तरह लोग डिप्रेस रह सकते हैं, किस तरह वहाँ पे जो है कोई शर और फितना और शैतान दाखिल हो सकता है। तो खुदा के लिए अपने घरों में सकीनत लाएं,
नहुसत पड़ी है हमारे घरों में। एक तो ये जो टेलीविजन है, चले मैं टेलीविजन को हराम नहीं कह रहा, लेकिन क्या दिखाया जा रहा है टेलीविजन पे? वो एंकर्स आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, दे मेक अप अ शो, दे क्रिएट अ शो, आपस में वो उसको हिट करता है, वो इसको हिट करता है, ना कोई जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन? सिर्फ नेगेटिविटी। यस, देयर मे बी सम गुड एंकर्स आउट देयर, सबको मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट दैट इज शोन देयर इज जस्ट नेगेटिव। तो नहुसत ना लेकर आए घर में, घर में सकीनत लेकर आए। हमने खुद अपने आप को जो है वो एक गढ़े में जो है वो डाल दिया है, सकीनत का कॉन्सेप्ट छोड़ के हम प्लेजर सीकिंग की तरफ चले, और यही हमारा डाउनफॉल है। इसी वजह से हम खुश रहना जो है वो बड़े कम हो गए। सो कमिंग टू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कि अब खुश रहने के लिए करना क्या चाहिए, मैं क्विकली आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारी खुशी में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुशी में होती है कि लोग क्या कहें, कि यार मैं ये काम करूँ तो सही, जिससे सकीनत आती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मौलवी बन गया, लोग क्या कहेंगे कि ये क्या भाई छोटी सी उम्र में ही इस तरफ आ गया, टेररिज्म की तरफ ना चला जाए या चली जाए। लोग क्या कहेंगे कि देखो जी हम तो इस तरह से अपने मामलात करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, ये कौन सी जी दुनिया को फॉलो कर रहा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसको कोई ज़्यादा इसने इस्लाम पढ़ लिया या इसको जो है वो कोई ज़्यादा ही हमसे पता है जो इस तरह से कर रहा है। तो लोग तो कहते रहेंगे। मैं छोटा सा एक वाक्य आपको सुनाता हूँ, फिर बात को आगे लेके जाते हैं। इश्फाक अहमद जाविया में लिखते हैं कि एक बादशाह की सल्तनत थी, और उसकी सल्तनत में एक शख्स था जिसके पास एक बहुत नायाब घोड़ा था, और इतना नायाब था वो कि उसका चर्चा दूर दूर तक हो गया उस घोड़े। बादशाह तक खबर पहुंची तो बादशाह ने कहा कि ये घोड़ा मैंने लेना ही लेना। बादशाह घोड़ों का बहुत शौक था। बादशाह ने उस बंदे को ऑफर की अपने कुछ उनके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। बंदे ने माजरत की, उसने कहा नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल। बादशाह ने वजीर को भेजा, वजीर को भी उसने ना कर दिया पोलाइटली। बादशाह खुद चला गया और बादशाह ने उसे जाके खुलेआम ऑफर की कि भाई तुम जितने पैसे मांगते हो मैं दूंगा, तुम मुझे घोड़ा दे दो। और ही स्माइल्ड, ही सेड कि नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल, ये मेरे साथ बचपन से है, आई लव दिस हॉर्स, मेरा पेट है, सो आई कांट, मुझे खुशी होती है इसके साथ, तो मैं किस तरह से आपको दे दूं पैसे के लिए। तो बादशाह ने उसे यहां तक ऑफर कर दी कि मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा अगर तुम मुझे घोड़ा देते हो। इतनी बड़ी ऑफर कर दी ईगो में आके। अच्छा, बंदे ने एक बार सोचा, लेकिन फिर डीप सोच के बाद उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये चीज आप मुझसे ना मांगे, कोई और चीज चाहिए तो मैं आप हाजिर हूं, लेकिन ये चीज मैं नहीं दे सकता। बादशाह चला गया उसकी रिजॉल्व देख के। उसने कहा चलो ठीक है। अब इर्द गिर्द के लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे। जैसे ही बादशाह सलामत गए, वो आगे कहते, ओ तू तो बदकिस्मत है, बादशाह सलामत तेरे पास चल के आए लेकिन तूने उन्हें इनकार कर दिया। किस लिए? इस घोड़े के लिए? तुझे इस जैसे 100 और मिल जाएंगे। वो मुस्कुराया, उसने कहा आराम से भाई, मुझे पता है मैंने क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घोड़ा है, आई गेट हैप्पी बाय लुकिंग एट दिस हॉर्स ऑफ माइन, अपने काम से काम रखो। लोग कोस कूस के चले गए कि बस बदकिस्मत है जी, देखना इसके साथ कोई ना कोई हादसा होगा, इसको सजा मिलेगी इस नाशुक्री की। अल्लाह की तरफ से करना ये हुआ कि कुछ दिनों बाद वो घोड़ा भाग गया, और वो ढूंढ रहा है उसे, कहाँ गया कहाँ गया, निकल गया कहीं घोड़ा। आप गांव वाले आगे कहते कि अच्छा देखा, हमने कहा था ना कि तुझे कोई हादसा आएगा तो ये सजा मिली है। उस बंदे की पॉजिटिविटी चेक करें, क्योंकि ही वॉज हैप्पी विद हिमसेल्फ, ही न्यू हु ही वॉज, उसको सेल्फ अवेयरनेस थी। हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती हमारी, इसलिए हम लोगों की बातों में आते हैं। हैविंग सेड इट, अगर अच्छी बात लोग कह रहे हैं तो वो मान भी लेनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात तभी आपको पता लगेगी जब आप सेल्फ अवेयर हैं। वो बंदा इतना सेल्फ अवेयर था, उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, घोड़ा था भाग गया, जब तक उसका मेरे साथ साथ था, अल्लाह ने लिखा हुआ था, ठीक है मेरा उसका साथ था, अब नहीं है, मुझे दुख है बहुत ज्यादा, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह मुझे बहुत उसके बदले में कुछ और देगा। सबर शो किया, कंटेंटमेंट शो की,
मज़े की बात है कि कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आया। अब ये वाकया झूठा है सच्चा है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वाकये में लर्न करने वाले प्रैक्टिकल पॉइंट्स बहुत से आते हैं। कुछ अरसे बाद घोड़ा आया, घोड़ा अपने पीछे 12 घोड़े और ले आया, मतलब जंगल गया कहीं गया, मतलब अपने पीछे लगा के 12 घोड़े और ले आया। अब सारे लोग जमा हो गए, कहते वो कमाल हो गई यार, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, घोड़ा तो वाकई बड़ा नायाब है। अब हमें समझ आई कि तुम इस घोड़े को बादशाह क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि घोड़ा तो कमाल नायाब है। तो बंदा मुस्कराया, उसने कहा कि देखो ये अल्लाह ताला की देन है, मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह नहीं परखता कि एक मोमेंट उठा लूँ ज़िंदगी का, उस मोमेंट के थ्रू पूरी ज़िंदगी को जो है वो जज कर लूँ कि चूंकि ये मोमेंट अच्छा है तो पूरी ज़िंदगी अच्छी है, ये मोमेंट ख़राब है तो पूरी ज़िंदगी ख़राब है। उसने कहा कि देखें अल्लाह ताला की तरफ से गम भी आता है, खुशी भी आती है, हादसात भी आते हैं, शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इंक्रीज़ भी करेगा उन चीज़ों में, और यही हुआ, अल्लाह ने मुझे इंक्रीज़ किया। भरा लोग चले गए, और उसके बाद ये हुआ कि उसका जो बेटा था, इकलौता बेटा था, एक दिन वो घोड़े से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। अब लोग फिर आ गए, लोग शिकायत करने आ गए, कहते कि क्या फ़ायदा हुआ तुझे इस घोड़े का, देख तेरा इकलौता बेटा, तेरा जानशीन, तेरा वारिस जो तेरी कल को बुढ़ापे में जो है वो हेल्प करता, उसको गिरा दिया, उसकी टांग टूट गई, अब तू क्या करेगा, कहाँ जाएगा। उस बंदे को दुख तो बड़ा था, फितरी बात है भी बेटे की टांग टूटी है, लेकिन अगेन उसके अल्फाज वही शुक्रगुजारी वाले थे। उसने कहा अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, चलो मेरा बच्चा मेरी नज़रों के सामने रहेगा, जहाँ तक वारिस की बात है, जहाँ तक मेरा ख्याल रखने की बात है, तो अल्लाह ताला ख्याल रखने वाला, अल्लाह ताला इंतज़ाम करेगा। लोग मुंह बना के वहाँ से चले कि ये बंदा बेकार है, जब इसे कोई बात करो इसे समझ नहीं आती। उसके बाद हुआ ऐसा कि वहाँ पर जंग छिड़ गई उस इलाके में, और रूल ये था कि हर एबल माइंडेड और एबल बॉडीड बंदा जो है वो बादशाह सलामत की फ़ोर्स में होगा और लड़ाई करेगा। अब जो बादशाह के सोल्जर्स आए वो हर घर से जवान बच्चे लेकर, जब उसके घर आए तो देखा कि बच्चे की टांग ही टूटी है तो लड़ ही नहीं सकता, तो उसको वहाँ छोड़ के चले गए। अब लोग फिर आए, लोगों ने कहा कि यार कितना खुशकिस्मत है, तेरा तो बच्चा तेरे पास है, तेरी नज़रों के सामने है, हमारे तो बच्चे वो ले गए। उसने कहा कि बस इनफ इज़ इनफ, मैं तुम लोग की और बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मैं अब इस इलाके में रह सकता हूँ। तुम लोग का मसला ये है कि तुम लोग ज़िंदगी का एक मसला उठाते हो, एक हादसा उठाते हो, और पूरी ज़िंदगी को उस हादसे के जो ब्रश है उससे पेंट कर देते हो, और तुम हर चीज़ में नाशुक्री की बातें करते हो, पैसिमिज़म की बातें करते हो, तो भाई मैं तुम लोग की बातें मज़ीद नहीं सुन सकता। तो लोग क्या कहेंगे, लोग का तो काम है कहना, लोग का तो काम है कमेंट्री करना, लोग का तो काम है डिस्करेज करना। आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाए, सेल्फ अवेयर, सर्च आउट दिस टॉपिक इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, सेल्फ अवेयर, गूगल पे सर्च कीजिएगा सेल्फ अवेयरनेस, ये पूरा पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे के जा रहा हूँ। तो पहली रीज़न खुश ना रहने की, लोग क्या कहेंगे।